हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील चौधरी दीप होम जयपुर से, और आज आपको मैं इतनी शानदार प्रॉपर्टी दिखाऊंगा कि आपको वाकई मज़ा आने वाला है ये प्रॉपर्टी देख के, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम तरीके से इसे तैयार किया हुआ है। जो भी आइटम्स यहाँ पे लगाए हुए हैं सबकी आप क्वालिटी देखोगे तो यार क्वालिटी बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई है। और ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही प्राइम लोकेशन की है, जैसे आपका जयपुर में जो चोमू पुलिया है, भवानी निकेतन है, उनसे बहुत नज़दीक है। भवानी निकेतन का जो कैंपस है उसके तो जस्ट अटैच में ये प्रॉपर्टी होने वाली आज की। जैसे सिंधी कैंप है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ से अराउंड 6 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस पे है। हाइपर सिटी यहाँ से बहुत नज़दीक है, और जैसे ढेर का बालाजी है वो यहाँ से नज़दीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है आज की, जो प्रॉपर्टी है ये 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो हम एक बार इसका टूर करते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं हम इसके फ्रंट एलिवेशन से, और फिर मैं आपको पूरा ही ये घर विजिट कराऊंगा। यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इस वीडियो पे एम करते हैं 500 लाइक का, उम्मीद है आप ज़रूर करोगे। 500 लाइक इस वीडियो पे प्लीज़ कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जयपुर शहर में अगर किसी अलग तरीके की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, अलग बजट में सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए वेबसाइट का लिंक मैंने प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन में, deephomes.in। वहाँ आप फिल्टर करके अपने बजट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते एक बार फ्रंट एलिवेशन से, और फिर मैं आपको बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, पूरे ही आपको मैं विजिट कराने वाला हूँ। देखिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है दीप होम जयपुर नाम से, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और ये जो हाउस है इसका आप एलिवेशन एक बार देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे डिज़ाइन किया हुआ है। एलिवेशन में आप देखोगे तो बालकनी जो एरिया है आपको काफ़ी बड़ी साइज़ में मिलने वाला है। साइड में आप देखोगे तो मेंट का भी यहाँ पे वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। एलिवेशन लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे पूरा ही आपको कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो यहाँ पे मिलने वाला है। गेट की आप बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की है, और कंप्लीट काम आपको मॉडर्न टाइप का यहाँ पे मिलने वाला है। लोकेशन काफ़ी प्राइम आपकी यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे आप एक बार आसपास भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पे मकान बने हुए हैं। मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, सब कुछ यहाँ पे नियरेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो बाउंड्री वॉल है उस पर आपके नेम प्लेट के लिए जगह है, साथ ही कुछ एलिवेशन लाइट्स यहाँ पे दी हुई है। गेट लाइट की डिज़ाइन आप एक बार देख लीजिए। अब हम मूव करते हैं हाउस के अंदर की तरफ, तो सबसे पहले आपका पार्किंग का एरिया रहने वाला है, और पार्किंग एरिया स्पेशियस है, मतलब एक मीडियम साइज़ की कार आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। बाकी साइड में आप देखोगे वाटर टैंक आपका यहाँ पे है, और आपका जो गैस का जो सिलेंडर रखा जाएगा उसके लिए यहाँ पे बॉक्स तैयार किया हुआ है, और लाइन उसकी सीधी अपनी किचन में दी हुई है। किचन में आप देखिए यहाँ पे जो ग्लास का यूज़ किया हुआ है एल शेप में किया हुआ है, तो सनलाइट वगैरह प्रॉपर आपकी नेचुरल घर में बनी रहेगी। ऊपर की डिज़ाइंस आप देखिए, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, और इसमें जैसे लाइटिंग वगैरह का काम तो आप देख ही पा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पार्किंग एरिया में आप साइड वॉल पे देखोगे तो यहाँ पे वुडन फिनिश में टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, और बीच में आर्टिफिशियल ग्रास के साथ ही एलिवेशन जो लाइट्स है आपकी वो यहाँ पे यूज़ की हुई है। हॉल के फ्रंट में यहाँ पे जो विंडोज है फिक्स ग्लास है ऊपर की तरफ, और मेन जो आपका डोर है उसकी डिज़ाइन आप देखिए, बिल्ड क्वालिटी आप देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया तरीके का आपको यहाँ पे डोर मिल जाता है। शायद ही आपने इस चैनल पे ऐसा प्रीमियम क्वालिटी का हाउस पहले देखा हो, तो इसीलिए आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और ये है आपका यहाँ पे हॉल का एरिया, और इसमें तो इंटीरियर का काम देख के एक ही बात बोलोगे आप कि वाह क्या इंटीरियर है, क्योंकि पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है ये। और बाकी आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप, अच्छा लगा या कुछ कमी है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी जो स्टेयर्स है उसके नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे यहाँ इंटीरियर का काम मिलेगा आपको, वुडन प्लस वॉलपेपर के साथ ही लाइटिंग में। और सोफ़ा यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लू जेड के साथ आपको यहाँ पे सोफ़ा अरेंज किया हुआ मिल जाएगा, और सामने की तरफ आपका यहाँ पे सेंटर टेबल है, और सोफ़ा के जस्ट सामने की तरफ आप देखिए यहाँ पे देखोगे तो बड़ा सा एलईडी का पैनल है, और एलईडी का जो पैनल है उसमें आप देखिए गोल्डन थीम में वर्क करके दिया जा रहा है। जैसे
यहाँ पे लाइटिंग वगैरह का काम देख लीजिए आप, नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रोवर्स का यूज़ किया हुआ है। और अब एक बार आप यहाँ पे जो अपनी फोर्सलिंग है वो देखिए, उसका क्लोज लुक देखिए आप एक बार, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे डिज़ाइन किया हुआ है। अब मैं आपको लेआउट इसका बता देता हूँ। तो पीछे की तरफ आपका बेडरूम है और बाथरूम है, आगे की तरफ यहाँ पे मॉड्यूलर किचन है। किचन की जो एंट्री है उस पर देखिए बढ़िया से यहाँ पे एक डिजाइनेबल यहाँ पे बड़ी लाइट यहाँ पर लगाई हुई है ऊपर की तरफ। और ये है आपका एंट्रेंस जो कि पूरा ही वुडन में यहाँ पे तैयार करके दिया जा रहा है। किचन देखिए, इसमें फ्रीज के लिए आपके सेपरेट यहाँ पे पोर्शन मिल जाता है। आगे की तरफ आपका जो काउंटर टॉप है उसका कलर देखिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा ही काम यहाँ पे किया हुआ है। ऊपर की तरफ लगभग 1.5 फीट तक आपके यहाँ पे टाइल का वर्क है। और यहाँ आप इसमें देखिए किचन में जो ड्रॉवर्स है सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ ग्लेन की चिमनी, और ये आपके कैबिनेट्स जो कि हाइड्रोलिक इनमें वर्क हो रखा है। फैन यहाँ पे लगाया हुआ है, गीजर आपका यहाँ पे है, और टेप वगैरह आप देखिए, हिंडवेयर का आपको यहाँ पे जगवार का सैनिटरी का काम मिल जाएगा। और ये देखिए, ये जो आपकी यहाँ पे आ रही है विंडो एल शेप में, ये काफ़ी खूबसूरत बना देती है किचन को। और यहाँ से जैसे कोई बाहर से आ रहा है तो यहीं से डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है, कौन है, क्या है। इधर की साइड वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा इससे हो जाएगा, विंडो वहाँ पे दी हुई है। अब देखिए सीढ़ियों के नीचे यहाँ साइड में आपके लिए कुछ स्टोरेज स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ, तो यहाँ देखिए आपका जो वॉश बेसिन का जो एरिया है बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। एक बार सर क्लोज लुक इसका दिखा दीजिए। ऊपर की तरफ लैम्प लाइट, साइड में जो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल जो काम हो रखा है आपका, यार वाकई बहुत सुंदर है। थोड़ा सा और आगे आइए, जैसे आप आगे आओगे तो साइड में भी आपको यहाँ पे भी इंटीरियर का बहुत ही प्यारा वर्क मिलने वाला है। यहाँ पे मिरर के साथ ही वुडन और वॉलपेपर का वर्क करके दिया जा रहा है। आप देख लीजिए एक बार बाथरूम, तो बाथरूम आपका कॉमन प्लस अटैच दोनों तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। साइज भी काफ़ी स्पेशियस है, एक बार साइज देख लीजिए आप इसकी। टाइल्स वगैरह भी देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। गीजर वगैरह, फैन यहाँ पे सब कुछ आपको लगा के दिया जा रहा है। सीट आपकी यहाँ पे वॉल माउंटेड मिल जाएगी। और ये है आपका फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम में आप देखोगे तो यहाँ पे डबल बेड अरेंज किया हुआ है, और वुडन वर्क वगैरह आप देख सकते हैं पीछे हेड की तरफ वॉल पे, काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे वर्क मिल जाता है। ऊपर की डिज़ाइंस देख लीजिए एक बार, जो सीलिंग की है आपकी पोर्सलिन की जो डिज़ाइंस है वो भी बेहद शानदार है। आगे की तरफ लाइट्स का जो वर्क है वो भी बढ़िया है। अब देखिए इसमें बेड के जस्ट सामने की तरफ आपका LED का पैनल है। ड्रेसिंग एरिया आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है, जैसे यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है, ये आपका LED का पैनल, एंड यहाँ मिल जाती है आपको साइड में वार्डरोब। वार्डरोब भी आप देखेंगे वुडन से पूरी तैयार की हुई है। और यहाँ है आपका UPVC स्लाइडिंग डोर, जिसमें कि आपको ये डबल लेयर के साथ दिया जा रहा है। ये देखिए, और अब एक पोर्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है जिसमें कि आप अपने हिसाब से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे जिस स्टोर रूम आप यूज़ करना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, या फिर मंदिर वगैरह के लिए काम में लेना चाहो वैसे ले सकते हैं। पीछे की तरफ टाइल्स का वर्क है, टेप यहाँ पे है, वॉशिंग मशीन वगैरह आपको रखनी हो तो वो आसानी से आप यहाँ पे रख सकते हो। तो देखो हमने यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर देख लिया, अब हम ऊपर के फ्लोर पे चलने वाले हैं जहाँ पे आपका दो बेडरूम और है ऊपर के फ्लोर पे। और ये जो आज की प्रॉपर्टी है, मैं सिक्कर रोड की प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ। जयपुर में जो चोमू पुलिया है, हाइपर सिटी है, आपकी भवानी निकेतन है, उनके बहुत नज़दीक की ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से एक बार ये दिखाते हुए सर एक बार ऊपर की तरफ आइएगा।
अब यहाँ पे आपका जो लोबी एरिया है इसकी डायमेंशन मैं आपको बताऊँ तो लगभग ये 6x16 के आसपास का एरिया यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो किया हुआ है, जिसमें वॉल पे आपको इंटीरियर वर्क मिलने वाला है और ऊपर की डिजाइन आप देखोगे तो फैन यहाँ पे लगाया हुआ है, बाकी वॉलपेपर वगैरह फोर्सिंग का काम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका जो सेकंड बेडरूम है वो जो कि अटैच बाथरूम के साथ आपको मिल रहा है, और इस बेडरूम में भी देख लीजिए डबल बेड यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, पीछे की तरफ का वर्क और ऊपर की एक बार डिजाइन आप देखिए। सामने की तरफ आपका मिरर लगा हुआ है, एलईडी का पैनल यहाँ पे है, पीछे की तरफ बैकयार्ड का एरिया है, यूपीवीसी स्लाइडिंग वही विंडो आपको मिल जाता है, सॉरी यूपीवीसी स्लाइडिंग डोर यहाँ पे है, और यहाँ है आपका बड़ा सा वार्डरोब। तो देखिए घर में स्टोरेज से संबंधित आपको मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्टोरेज काफ़ी स्पेस जो है स्टोरेज के लिए वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। बाथरूम वगैरह की साइज़ भी बहुत ही अच्छी है, और अभी हम ये जो घर देख रहे हैं ये 100 गज़ में बना हुआ है, मात्र 100 गज़ में, लेकिन आप इसे देखोगे तो इसको इस तरह से यूटिलाइज़ किया हुआ है कि 100 गज़ का ये लगता नहीं है, काफ़ी बड़ी साइज़ का ये घर आपको लगेगा। और डायमेंशन की बात करूँ तो 15 का इसका फ्रंट है और 60 की इसकी डेप्थ है। अब हम मूव करते हैं आगे के रूम की तरफ। अगर आप भी चाहते हैं आपकी प्रॉपर्टी का प्रमोशन कराना, अगर आप बिल्डर या फिर कोई एसोसिएट है और आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल आउट करना चाहते हैं, आप कराना चाहते हैं प्रमोशन, तो हमारे सोशल जो हैंडल है इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब इन पे अगर आप प्रमोशन कराना चाहते हैं तो बहुत ही रिजनेबल रेट पे हम प्रमोशन भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आपको अपना दीप होम नाम से नीचे की तरफ आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा और मेल मिल जाएगी, वहाँ पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका थर्ड बेडरूम है, ये देखिए कितना शानदार है। बेड के सामने की तरफ एलईडी का जो स्पेस दिया हुआ है वो यहाँ पे है, कुछ डेकोरेटिव आइटम आप यहाँ पे और रख सकते हैं, और यहाँ है आपकी वार्डरोब, और सामने की तरफ यहाँ पे मिरर, बड़ा सा वार्डरोब भी देखिए काफ़ी बड़ी है। दोनों तरफ यहाँ पे माइका वगैरह का वर्क कर किया हुआ है, और ये देखिए पूरी ही वुडन में यहाँ पे तैयार की हुई है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सामने बालकनी एरिया, तो यहाँ भी आप देखोगे तो स्लाइडिंग डोर आपको यहाँ भी अवेलेबल हो रहा है, और ये है आपका बालकनी एरिया। ऊपर की डिजाइन्स देख लीजिए वुडन कलर में, यहाँ भी आपको बहुत ही सुंदर वर्क मिलने वाला है। अब मैं आपको एक बार ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ, आसपास की जो लोकेशन है, आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। उससे पहले आप यहाँ देखिए इस बेडरूम में भी आपका अटैच का बाथरूम, और इसमें आप देखिए वेस्टर्न सीट है और टाइल वर्क वगैरह तो प्रॉपर है ही पूरा, गीजर वगैरह यहाँ पे प्रॉपर है लगाया हुआ, एक्सेसरीज जो भी इसमें चाहिए थी पूरी यहाँ पे लगाई हुई है। अब हम मूव करते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, और ऊपर भी मैं दिखाता हूँ आपको छत से आसपास का सराउंडिंग एरिया। बाकी यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जयपुर में ऐसी ही बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। यहाँ पे झूमर लगा हुआ है और इसका स्विच रह गया है बंद, इसलिए आप एक बार बंद ही देख लीजिए, इसे आओगे तो आपको चला के दिखा दिया जाएगा। और यहाँ है आपका पूरा ये ओपन रूफ। अब यहाँ से देखिए आपका भवानी निकेतन का जो कैंपस है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और साइड में मैं आपको दिखाऊँ तो हाइपर सिटी जो है मॉल वो वहाँ पे है। और इधर साइड में देखोगे तो आसपास पूरा ऑक्यूपाइड एरिया है यहाँ पे,
यार उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं है, और मिलते हैं बाकी फिर किसी नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।